लाओ जी पुत्र जी, साड़ी तो अखबार ही एक फालतू है, आई चक लेते। लाओ जी, मैं भी अपनी फाइल चुक लेना ते थोड़े लिए टेबल खाली कर देना मैडम। ते जरा एक कुर्सी भी खाली कर दो ते उधर हो जाओ। चलो ठीक है, जो थोड़ा हुक्म। ए होई ना गल, मैं सारे नु चाप लाऊंगा। आ लो जी। नहीं नहीं डैड जी, आ थोड़ी चाह नहीं है, थोड़ा नाल वाला कप। आ लो। क्यों भाई, ये चिक्की खास गल ए फिक्की है, डॉक्टर ने तानू मिट्टी चाह पीने तो मना किया है ना। देखो भाई, ये तो गल गलत है, जे रोज नहीं ते कदे कदे तो मिठा पीने की मंजूरी मिलनी चाहिए। पर डैडी जी, ये जिंदगी भी सानू कदी कदी मिलती है, हुण मैं रिस्क नहीं ले सकती। थोड़ी जिंदगी साढ़े सारे लिए बहुत मायने रखती है। पर एक शानू ठीक कहती है, डॉक्टर ने मना किया है ना तुम्हें। पापा, शानू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थानू इहदी गल मान लेनी चाहिए। हुण तो मननी ही पेगी, सारे तो इहदे वल हो गए, मेरे वल तो कोई भी नहीं। जानते हो क्यों डैडी जी? क्यों? इसलिए कि तुसी गलत गल ते बहस करी जा रहे हो। ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं कहता, चुपचाप इहो चाह पी लैंदा। चाह नहीं, इदां लगदा जिदां दवाई पी रहा। डैडी जी, कुछ भी समझ लो, चाह तां फिक्की पीनी पैनी है। अच्छा भाई, अपना वासु कित्थे? पापा, वासु ते बस अपनी दुनिया विच ही गवाचा रहना। अपनी दुनिया में मतलब? मतलब एक ही सात समुंदर पार दी दुनिया। जे मेरे नाल दिल दी गल नहीं करेगा ते दिल दी गल दिल ची रह जाएगी। नहीं भाभी जी, ऐदां दा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ ता है, ते जो है ओ मैनू भी पता है। मैं क्या ना भाभी जी, ऐदां दा कुछ नहीं है। मेरी नाल इन्हां ने गल कीती सी, मैनू सब पता है। तू सानू छड़ के जाना चाहना? नहीं भाभी जी, इत्थे इंसान दी मेहनत दा मुल नहीं पैंदा। इंसान इत्थे सारी उम्र जी तोड़ के मेहनत करदा है, ते सिवाय रोटी दे कुछ भी हासिल नहीं हुंदा। तुसी सोचो, डैडी जी घट मेहनत करते हैं, तो वीर जी भी तो सारा दिन लगे रहते, तो उस तो बाद भी घर का मुश्किल ना गुजारा हो पाता। भाभी जी, तुहानू तो सारा पता है। असी की कर सकते हैं बस, यह तो सब किस्मत का खेल। बस मैं से किस्मत नू बदलना चाहना, मैं एक बार बाहर चला गया तो सब की किस्मत बदल देवांगा। मैनू तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ते की जवाब दूं? जे वासु बाहर जाके अपने सपने पूरे करना चाहता है, ते इसके छड़ी की है? पर शानू, वासु इत्थे रह के भी तो नौकरी कर सकता ना, वो चंगा पढ़िया लिखा है, और जेकर इत्थे ट्राई करूंगा तो उन्हें इत्थे भी वधिया नौकरी मिल जूगी। एक गल कहां? हाँ कहो। वैसे एक गल है, जे बाहर जाके उन्हें कोई चंगा काम मिल जाए तो इस विच हर्जी की है? पर शानू, बाहर भेजना भी इन्ना आसान नहीं है, घट्टो घट 10-15 लाख रुपया लग जाता है बाहर भेजने। तैनू पता इस गल? ऐसा मैनू नहीं पता। हाँ एक गल है, जे तुसी दिलों सोचोगे तो रस्ता अपने आप निकल आएगा। तुसी इन्हें एक बार बाहर भेजने बारे सोचो तो सही। पर शानू, जेकर असी वासु नूं बाहर भेजण दा मन बना भी लईए पर मम्मी जी नूं इह गल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होवेगी। तैनूं पता, मम्मी जी दिलों वासु नाल जुड़े हुए ने, ते ओह उहदे तों दूर नहीं रह सकते। हाँ, इह तां सच है, कोई भी मां अपने पुत्तर तों वक्खरी नहीं होणी चाहुंदी, पर हर मां अपने पुत्तर दी तरक्की बारे भी जरूर सोचदी है। जे तुसी कहो तां ठीक है।
मैं मम्मी पापा ने गल करना ते उस तो पहले मैं वासु ने गल करना चाहना। मैं वासु नु बुला के लिया मां। हां बुला के लिया। मैं हुने बुला के लाऊंगी। खया वासु बैठ। और सुना। बस वही की मन बनाया तो अपना। वीरे मैं बाहर जाना चाहता। अच्छा कि तू अपना मन बना लिया बाहर जाने। हाँ जी मैनू लगता है कि मैनू जाना ही चाहिए। पर वासु मैनू लगता है यार कि तेनू इत्थे रह के नौकरी करनी चाहिए। नहीं वीरे मैं इत्थे नौकरी नहीं करना चाहता। तो तू इत्थे अपना कोई बिजनेस कर ला। अपने बिजनेस लिए भी तो पैसे चाहिए ने। जिहड़े पैसे इत्थे लाने हैं वह फिर बाहर क्यों नहीं। बाहर जाके मैनू जो वधिया जिहा काम मिल गया जिहड़े पैसे तुसीं मैनू भेजण लई लाओगे वह तो मैं एक साल च पूरे कर देवांगा। अच्छा तो तू पक्का फैसला कर लिया कि तू बाहर जाएगा। तू पापा नाल गल कीती है? नहीं मम्मी नाल गल कीती सी। मम्मी ने की किया? नहीं मम्मी नहीं मनते। वासु मम्मी मनणगे भी नहीं। यार वो तेनू बहुत प्यार करते ने वह तेनू बाहर नहीं भेजना चाहूंगी। वीरे मैं हमेशा लिए थोड़ी ना जा रहा। वासु एक बार जो तू बाहर चला गया ना तो उत्थे सैट हो गया ना तो फिर तू कभी वापस इत्थे नहीं आना चाहेगा। वीरे जे मैं बाहर जाके सैट हो जाता है फिर इस तो वड्डी गल की हो सकती है। तेरा साढ़े बिना दिल लग जूगा? दिल तो लाना ही पैना जे जिंदगी कामयाब होना है फिर यह सब कुछ तो सहना ही पैना। चलो चलो देखते हैं। तुसी गल करोगे ना? तेरी खुशी विच साडी खुशी होगी। तुहाडी गल भाई मैं तैनू समझाउण दी बड़ी कोशिश की पर ए ते अपनी जत्ते अड़िया ही पिया। जे ए साडी गल नहीं मानदा तां सानू माननी चाहीदी है। इदां ही करना पऊगा। चलो आओ खाना खा लो ते नाले खाना खांदे खांदे मम्मी पापा नाल गल भी कर लिओ। नहीं मैं कोई चंगा मौका वेख के मम्मी पापा नाल गल करा। थैंक्स वीरे। वड्डे भरा नूं थैंक्स कहना। चल जा खाना खा जाके। ते तुसी? तुसी चलो मैं आना। हेलो मनीष की हाल है? हाँ यार मैं तेरी वेट कर रहा था। मैं पता नहीं कदों कॉल आऊगी। की कितों दी गल कर रहे? चंडीगढ़ दी? ओए हाँ यार ओ चल ठीक है जो भी होगा ना देखा जाऊगा और नाले जो किस्मत लिखा है ना वो ही सामने आना। ठीक है और तू अपने बारे सुना की हाल ने? वधिया मैं बिल्कुल ठीक है यार तू अपनी सुना। चल ठीक है मैं तेरे ना बाद गल कर दा। ओके बाय मनीष बाय। हेलो हाँ प्रिया की हाल है? मैं ठीक हूँ तेरा की हाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ बस मजे जा। तू ते हमेशा मजे जी रहने अपनी दुनिया अपने नाल ले फिरते। अपनी दुनिया? हाँ अपनी एक अलग ही दुनिया च रहने कभी किसी और की दुनिया जाना ही नहीं चाहते। सच तो यह प्रिया कि हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है ते वो उस दुनिया विच मस्त रहना चाहते हैं। ते जे कोई कदों आणू के आ? इसी वक्त। ऐसे वक्त
क्यों तू बिजी है? नहीं नहीं ऐसा ही कोई गलता नहीं। फिर जल्दी आ जा। चल ठीक है आना फिर मैं। मेरे नाल की काम हो सकता है? चलो जाके देखते हैं। अपने बेरुखी दा राज दसना ही पेगा तू क्यों मेनू परेशान करता रहना नहीं वासु अज तेन सब सच सच दसना ही पेगा दस की दसा तेन मैं वासु ये तो मैं पता चल गया कि तू मैनू प्यार करता है पर फिर तू मेरे तो दूर क्यों भजदा है तेरी एहो जी कीड़ी मजबूरी है जेड़ी तेनू मेरे तो दूर खिंचदी है तू मैनू दस वासु मैनू दस प्रिया ये सच है कि मैं तेनू बहुत प्यार करता तेनू पसंद करता पर हर मनपसंद चीज पाई भी तो नहीं जा सकती ना वासु जे तू ये सोचते कि मम्मी पापा इस रिश्ते नू स्वीकार नहीं करेंगे जे बंदे कोल पैसा है तो हर चीज पा सकदा है किन्ने सालां लई जाना चाहुंगा शायद सारी उम्र दे लई मैनू अपने नाल लेके नहीं जा सकदा तैनू मैं इदां दा कोई वादा तां नहीं कर सकदा जिहड़ा मैं पूरा ना कर सका क्यों नहीं पूरा कर सकदा वासु पता नहीं मैं नहीं जानदा कि तू मेरे वादे दे भरोसे मेरा इंतजार करदी रहे मैं इंतजार कर सकदी हां वासु कदों तक तेरे आन तक चाहे उस दे लई चाहे सारी उम्र ही क्यों ना लग जाए तू भावना च बह रही है मैं तेनू प्यार कर दिया वासु ऐसे लिए तो मैं तेनू कोई धोखा नहीं देना चाहता आने वाला कल कितना दा होएगा साड़ी फेवर च होएगा या नहीं होएगा मेरी किस्मत चलदा मैं वासु रब दे वास्ते मैनू समझन दी कोशिश कर जे तू बाहर जाना चाहना ते कि मैं तेरे नाल बाहर नहीं जा सकती मैं भी तेरे नाल बाहर जाऊंगी उत्थे रह के तेरा इंतजार करूंगी ते जब तक तू सेट नहीं हुंदा असीं विआह नहीं करावांगे कि इदा नहीं हो सकता वासु हो सकता है ते फिर जे इदा ना होया फिर मैं तेनू दोष नहीं देऊंगी वासु किसी होर नाल शादी नहीं कर सकती इस जन्म च तो बिल्कुल नहीं मैं वासु नू बाहर नहीं भेजूंगी नहीं चाहेगा वासु बाहर ओहो मम्मी प्लीज तुसी ध्यान नाल गल ते सुन लो पहले मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मैं वासु नू बाहर नहीं भेजूंगी वासु तू बाहर नहीं जाएगा ना देख तू मेरा प्यारा बच्चा है ना मैं तेरे किन्ने लाखों साल पाल लिया है मैं तेरे बगैर नहीं
नहीं रह सकांगे। सानू नहीं चाहिए पैसे, साढ़े को जो है वही ठीक है। बस तू बाहर नहीं जाए, नहीं जाएगा ना बाहर, नहीं जाएगा ना। देख कल्याणी इमोशनल ना हो, वासु वासु सिर्फ तेनू प्यारा ने, असं भी सारे उन्होंने प्यार करते हैं। तो नाले सोच वो कोई हमेशा वास्ते थोड़ा भर जा रहा, बस दो तीन साल आके वापस आ जाएगा। दो तीन साल नहीं, मैं नहीं भेजांगी वासु नू। मम्मी जरा सोचो, जी मैं बाहर चला गया ना बहुत सारे पैसे कमावांगा। मैं पहला भी किया है, सानू नहीं चाहिए पैसे, तू इत्थे रह के भी काम कर सकता है, तू जिन्ना भी कमाएगा ना सानू बहुत है। पर मैं तेनू बाहर नहीं भेजांगी, नहीं भेजांगी। मम्मी तुहानू पैसे नहीं चाहिए ठीक है, पर मेरे बारे भी तो सोचो, कल मेरा विआह होना कि मैनू पैसे की लोड़ नहीं पेगी। तेनू जिन्ने पैसे की लोड़ होएगी असी तेनू देवांगे। मम्मी मैं तुहाडे कोल पैसे लवांगा, मैं तो तुहानू पैसे कमा के देवांगा। सानू नहीं चाहिए पैसे। पापा तुसी समझाओ मम्मी नू। कल्याणी बच्चों के अपने भी कोई सुपने होंगे है, तू की सोचती है कि वह साढ़े वास्ते खुद कुछ भी ना कर सक। कल वो वाइफ आएगी, असी उन्हें चंगी जिंदगी ना दे सके ना, वो साढ़े बारे की सोचेगी, वो सानू गलत भी कह सकती है। क्यों गलत कहेगी? वो यो ही कहेगी कि इन्होंने वासू तरक्की नहीं कर दी। देख लिया ने सानू बच्चों की तरक्की दे विच रुकावट नहीं बनना चाहिए। लेकिन पापा वासु नू बाहर भेजने लिए पैसे भी चाहिए ने। मैं ओदे बारे सोच लिया। की सोच लिया? पापा सी प्लाट बेच देवांगे। हाँ मैं भी यही सोच रहा सी। प्लाट तुहाडे दोनों दा है? पापा प्लाट फिर बन जू, नाले वासु बाहर जाके मेहनत तो करेगा ही ना। विजय मेरे ते विश्वास करो, जिन्ने पैसे तुसी मेरे ते खर्चोगे ना ओह तो मैं कितने ज्यादा तुहानू कमा के देवांगा। तू बाहर चला जाना साढ़े वास्ते तो इन्ना ही होता। मैं तो तेरे सुपने पूरे करना चाहता। कल्याण सानू चाहिए कि असी बच्चों की खुशी बच्चे अपनी खुशी को तलाशी। बस दो तीन साल की गल है फिर मैं वापस आ जाऊंगा अपनी प्यारी प्यारी मम्मी को। वासु तेरा पढ़ाई विच आखिरी साल है ना? हाँ मम्मी। चल तेनू हुण किताबां तो छुटकारा मिल जाएगा, ते अगो की करन दा इरादा है? इस तो बाद अपनी मम्मी की सेवा करन दा इरादा है। मेरी सेवा ही करेगा या अपना घर भी बसाएगा? पहला एक अच्छा बेटा तो बन लवां, घर मैं बाद बसावांगा, पहला मैं तुहाडे सुपने पूरे करने। अच्छा मेरा की सपना है? अपने पुत्रां नूं रज के प्यार करना, इसलिए तो मैं विआह नहीं कराना चाहुंदा ताकि मेरा प्यार वंडिया ना जावे। मेरा एक सपना है कि मेरी मम्मी हमेशा खुश रहे, बहुत खुश रहे। मेरे बच्चे कभी मैनूं छड्ड के ते नहीं जाएगा। मम्मी तुहाडे कोल रहांगा तुहाडी खुशी लई, जे मैनूं कितें दूर जाना भी पै गया ना वह भी तुहाडी खुशी लई जावांगा मैं। नहीं तू दूर नहीं जाएगा, तू मेरे कोल रहेगा। क्यों जाएगा तू दूर? बहुत सारा पैसा कमाऊं। मैनू नहीं चाहिए बहुत सारा पैसा। ओहो मम्मी ये तुहानू नहीं चाहिए, मैनू तो चाहिए ना। तू इन्ना पैसा की करना है? तुहाडे लई एक वधिया जिहा घर बनाउणा। क्यों? ऐ मेरा घर नहीं। तुहानू याद है मम्मी जदों आपां एक वारी कश्मीर घूमण गए सी ते तुसी कश्मीर देख के कितना खुश होए सी? तुसी कहिंदे सी धरती दी कोई स्वर्ग है तां कश्मीर है। तुसी ये भी कहा सी काश इत्थे अपना कोई घर होंदा। मम्मी मैं तुहाडा सपना पूरा करांगा, मैं तुहाडे लई कश्मीर च घर बनावांगा, एक खूबसूरत घर, एक सोहणा जिहा घर। छड्ड ओह सपना, मैं मजाक च कहा सी। तुसी चाहे मजाक कीता सी पर मैं उस दिन सोच लिया सी कि मैं तुहाडा सपना पूरा करांगा, तुहाडे लई घर खरीदांगा कश्मीर च, एक सोहणा जिहा घर खरीदांगा। चल हट, मैनू नहीं चाहिए कोई घर वर। सच्ची दसो मम्मी तुहाडे दिल विच इच्छा नहीं की? नहीं बासू,
मेरी इच्छा ते मेरा घर मेरे बच्चे ने ते मेरा स्वर्ग भी मेरे बच्चे ने। तू मैनू छड्ड के किते ना जाई, तू नहीं जाएगा ना, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगी वासु, नहीं जी सकूंगी। नहीं मम्मी, मैं तुम्हें छड्ड के किते नहीं जाऊंगा। केदारनाथ जी, ये बेटे दे वियोग दे कारण इन्होंने हार्ट अटैक, चंगा होएगा जेकर वासु नूं वापस बुला। पर तो मैं नहीं जल्दी, तुसी वासु नूं बुलाई लो। हाँ पापा, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मतलब भूल गई तू। वासु तू कदों आया, कित्थों गल कर रहे, और नाले तू ये क्यों कहा कि मैं तेनू भूल गई? तेनू मेरा नंबर याद नहीं? वासु मैं नंबर देखा नहीं, उम्मीद नहीं सी कि तेरा फोन आएगा। सिर्फ फोन ही नहीं, मैं आप भी आ गया तेनू मिलन वास्ते। फिर जल्दी नाल इत्थे आ जा। इत्थे नहीं ते फिर कित्थे? बाहर आ जा। कित्थे आवां? ओत्थे ही जिथे आपां पहली बार मिले सी। मैं आ रही हां वासु, मैं इंतजार करांगा। वासु पूरे 15 मिनट ला दिते तू। ते तू आंच 2 साल ला दिते वासु। पर मैं आता गया ना। तेरे बिना दिन किदा बिताए ने, पता है तेनू? हाँ पता है, ना दिन नू चैन आंदा, ना रातां नू नींद आंदी है, ना भुख लगती है ते ना प्यास लगती है। हंजुआं दे नाल गहरा रिश्ता हो गया तेरा, यही ना? ये सब तेनू किदा पता वासु? मेरा भी तो यही हाल है। मतलब तू भी मेरे लिए? हाँ, मैं भी तो तेरे लिए तड़फदा। सच वासु? हाँ प्रिया। हम तो कभी मैंने छड़ के देने जाएंगा ना? नहीं। मेरी कसम खा के क्या? मेरे कोल ही रहेंगा ना? तेरी कसम प्रिया। हाँ।
मां वासु ने फोन कर दिता है, वो जल्दी इतने पहुंचेगा, तुसी टेंशन ना लो। कल्याणी की सोचती है तू, तू ठीक हो जाना, अजय तू बहुत लंबी उम्र जीना। मैं वासु नु एक नजर देखने वास्ते अपनी सावां बचा के बैठी हुई है, पर लगता है वासु नु वेखना मेरे नसीब च नहीं, हुण वक्त भी साथ नहीं दे रहा। जे तू आना भी चाहता ना तो तू पहुंच ही नहीं सकता। ये सब प्रभु की लीला है, वो जो चाहता ना बस शायद तेरी मम्मी ने मिलना लिखी नहीं। तुझे मैंने उस वे क्यों बुला लिया जो मम्मी ने अटैक होया थी। असी तो सोचे मैनू सारी उम्र पछतावा रहेगा कि मैं अपनी मम्मी तो दूर गया ही क्यों। चुप करो वासु, जो होना सी वैसे हो गया। तू अपने मन को मजबूत बना, हर जख्म भर देता पर जख्म छेती नहीं, वक्त भी वक्त लग जाऊगा इस जख्म भरन वास्ते। तू सुना की हाल है तेरे? की कहा, बस यही समझ ले कि हुन तक जिंदा। मैं भी की कर सकता, एनी छेती वापस होना भी तो मुश्किल है। जाना ही क्यों सी, ते जे हुन चला ही गया ते वापस भी ते आ सकता है ना। वीरे ने अपनी जमीन बेच के मेनू बाहर भेजा सी, उन्हें मेरे च किन्ना खर्चा किया, जिन्हां च कि मैं वो खर्चा पूरा नहीं कर लैंदा मैं वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता मैं। वासु, तू शायद हाले भी मैनू समझ नहीं सकिया। मैं तेरे इमोशंस समझदा। फिर इदां दीआं गल्लां ना कर जिन्हां नू सुन के तेरे दूर जाण दा एहसास होवे।
हेलो। हाँ मनीष, किदा? बस वधिया यार, तू सुना? हाँ इत्थे भी सब कुछ ठीक। हाँ प्रमोशन तो ठीक, लेकिन ट्रांसफर? हाँ हाँ जगह तो चंगी है, पर यार बंदे की अपनी मजबूरी भी होंगी कोई। चल ठीक है, जो टाइम आएगा आप देखा, ठीक है? ओके बाय बाय बाय, टेक केयर। किधर फोन सी? मनीष दा फोन सी। की कह रहा सी? ओही गल कर रहा सी कि चंडीगढ़ ट्रांसफर हो रही है, ते होर की चाहिए? ठीक ही तो कह रहा है, चंडीगढ़ वर्गे शहर च रहन न मिले तो होर की चाहिए? तू की चाहनी? मैं बहुत खुश हूँ, चंडीगढ़ जावांगे तो लाइफस्टाइल ही बदल जाएगा। वो तो ठीक है, पर पापा कदे नहीं मनांगे। तुसी उन्हें नू दसिए? मैं उन्हें नू कुछ भी नहीं दसिया। गल करके तो देखो। शानू तेनू सच्ची दसा, मेरी मेरी पापा ना गल करन दी ना हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? ये तो खुशी की गल है, तुहाडी प्रमोशन हो रही है। वासु भी चला जाएगा ते असी भी चले जावांगे, ते पापा को कौन रोगा? मिशा पापा नहीं मनांगे। इदा मतलब असी चंडीगढ़ नहीं जावांगे? चल छाड़ यार, जदों टाइम आऊगा देखी जाओगी, हुण पहले टेंशन क्यों लेनी? तू इदा कर, चाह मेरे लिए गर्म गर्म चाह बना के लिया, जल्दी। दो कप बनानी है, मैं भी पीनी है। फिर तीन कप बना, पापा ले भी। तो फिर चार कप ही बना लेनी है, वासु ले भी। हाँ सर, वासु कितने? दोस्तां कोल गया, मैं फोन किता थी, आंदा ही होगा। अच्छा चल ठीक है, फिर आपा सारे इकट्ठे चाह पीवा। हाँ ऐ ठीक है, चल बना के लिया। दस भाई जिंदगी कितना दिन? जीवन सारी दुनिया नालों बहुत चंगा है। चंगा है, पर जी पैसा होवे तां। हाँ ये भी गल ठीक है तेरी, पैसा होवे तां सचमुच इंडिया वर्गी कोई जगह नहीं। ऐसे लिए तो मैं उत्थे गया, ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा सका। क्यों पापा? तेनू जिदा ठीक लगता है तू उदा ही कर, सानू सारे नू तेरी खुशी ही चाहिए। तू बाहर जाके खुश तो है ना? हाँ पापा मैं बहुत खुश हूँ। बस सानू तो तेरी खुशी ही चाहिए। अच्छा दस वापस कदों जा रहे? अगले हफ्ते मंगलवार को। मजबूरी है पापा, इन्ना ही टाइम मिलिया। कोई गल नहीं बेटा, दिल ला के काम कर, ते मेहनत कर, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग ले आएगी। पापा जी जे तुहाडा आशीर्वाद ते तुहाडा प्यार मेरे नाल, ते फिर मैं किस गल दी गल। बड़ी चुपचाप बैठी हैं। मम्मी कह रही थी कि पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा, वो मैंने उसकी तस्वीर देखने को कह रही थी। अच्छा किदा ना लगे? मैं तस्वीर नहीं देखी वासु। तस्वीर तो देख लेनी सी। क्यों, मैं क्यों देखा किसी की तस्वीर? हो सकता तेरे पापा ने मैनू कितने देखा हो, मेरी तस्वीर ही तेने दिखाना चाहते हो। मजाक ना कर वासु, मैं सीरियस हाँ। प्रिया जे तू मैनू प्यार कर दी ना, मेरे तो तेनू कोई अड नहीं कर सकता। जे पापा मेरे ना रिश्ते दी गल करदी तो मैं उन्हें की जवाब देंदी? तू पापा नू कह देंदी कि मैं हजे विआह नहीं करवाना। वासु पापा नू होर किन्नी देर तक रोक के रखा? बस एक साल बाद, मैं एक साल बाद वापस आ जाऊंगा, फिर आने सार तेरे नाल विआह करा लांगा।
ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਮਿਮ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਵੱਧ ਗੋਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਪ੍ਰੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਕਦ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਬੀਤੇਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਲ ਬੀਤੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਬੀਤ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਓ ਫਿਰ ਲੱਗਾਂਗੀ ਓਕੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ ਕੇਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਲੱਕ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਬੀਵੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੀਵੀ ਹਰਦਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਹੂ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਾਸੂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਵਾਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਾਸੂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਵਾਸੂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਜਾ ਚਾਹ ਪੀਏ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਏ ਸ਼ਾਨੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਵਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਿਵਮ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੋਚੋ ਸ਼ਿਵਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਨੂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਨੂ ਜੇ ਵਾਸੂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਸੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨੂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਸੁਣਾ ਓਏ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਸ਼ੇਵਾ ਯਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੇਗੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਾਪਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਪਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਪਾਪਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 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 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਪਾਪਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਨੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੱਚ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਸ਼ਿਵਮ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਜਾ ਕਦੋਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਡੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ
बच्चों ने माँ प्यो के सुपने तो की पूरे करने हैं, बुढ़ेपे च जाके माँ प्यो का सहारा बन जाने ही बहुत है। सॉरी हुण केदारनाथ वाले वेख ला, इहदे दो मुंडे जी दोवें पढ़े लिखे ते इहने वी अपने बच्चों ने पता नहीं की उम्मीदां लाईआं होणियां वी इहदे बच्चे वड्डे होके इहदे बुढ़ापे का सहारा बनणगे, इहदा नाम रोशन करनगे। पर मिलिया की दोवें नूं छड के चले गए। हुण बेचारा कल्ला ही सारा दिन घर पिया रहिंदा जी, ना कदे आउंदा ई, ना कदे जांदा ई, ना किसे नाल गल, ना किसे नाल बात। गल भी की करे, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिते जाते अमरीक सिंह। सच कहना सोडी यार, वैसे केदारनाथ में अपने बच्चे अपने कोल ही रखने चाहिए सी। फिर वही गल, केदारनाथ ने बच्चों की खुशी लिए अपनी खुशी कुरबान कर दी है। मतलब इन्हें अपना दुख आप सेड़िया। अमरीक सिंह कुछ बच्चों भी तो सोचना चाहिए है, उन्होंने माँ प्यो ने इन्हों की कुछ किया है। केदार, शिवम ते शानू भी चले गए? उन्हां दी प्रमोशन हो गई सी ते ट्रांसफर। की फायदा इहो जी प्रमोशन दा जिथे बाप नूं कल्या रहना पवे? माया प्रसाद, मेरी जिंदगी तां निकल गई, मैं हुण बच्चियां दी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इहदा मतलब इह नहीं कि तू बच्चियां दी जिंदगी बनांदा बनांदा अपनी जिंदगी खराब कर ले। मैं गल करांगा शिवम नाल। नहीं माया प्रसाद, उहनूं कुछ ना दसी, मेरे बारे उहनूं दसेंगा ना तो वह दुखी हो जाएगा। तो मैं अपने बच्चों दुखी नहीं करना चाहता। बच्चों का दुख तेरे तो बर्दाश्त नहीं होता, पर अपने सीने से पहाड़ जो दुख ले फिरदा है। मैं सवेरे ही शिवम को जावांगा। नहीं माया प्रसाद, नहीं नहीं, मैं तेरी एक नहीं सुनागा, मैं सवेरे शिवम को जावांगा ही जावांगा। शिवम, शिवम अंकल, तुसी तुसी इत्थे? हाँ, आना ही पिया। पापा तो ठीक ने ना? शिवम कित्थे है? आ जाओ, वो अंदर ही ने। शिवम, अंकल आए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुसी अचानक, सब ठीक तो है ना? बैठो, मैं तुहाडे नाल कोई जरूरी गल करनी है। की गल है अंकल? तुसी अपने बाप नूं कल्ले छड्ड के चले आए हो? पर अंकल, आपां ते पापा दी मर्जी नाल इत्थे आए। तू अजे तक प्यो नहीं ना बनिया, इस करके तेनूं प्यो दी भावना दी कोई कदर नहीं। अंकल, अंकल मैं कुछ समझिया नहीं। यही समझाना है, तुहाडे प्यो ने तुहाडी खुशी लई अपनी खुशी त्याग दित्ती।
वासु बाहर जाना चाहता सी उन्हें बाहर भेज दिता। तुसी चंडीगढ़ आना चाहते सी तो उन्होंने दोनों चंडीगढ़ भेज दिता। वो तो उन्होंने दुखी नहीं सी देखना चाहता, वो नहीं सी चाहता कि तुहाडे सपने अधूरे रह जाण। उन्हें तो बाप होने का फर्ज बखूबी निभाया कि तुसी बेटे होने का फर्ज निभाया। अपने बाप नूं तुसी कल्ला छड्ड के आ गए, कदे सोचिया वो घर कल्ला किदां रहिंदा होएगा। वो तो अज मैं अचानक केदार नूं मिलन गया तो वह पौड़ियों चो डिग के बेहोश पिया होया सी। ये की कह रहे अंकल, सच कह रहे? जिस बाप ने तुहाडी खुशी लई इन्नियां तकलीफां झलियां ने और तुहानूं दस्या तक नहीं, उस बाप नूं तुसी कल्लिया छड्ड के आ गए? शिवम, असीं वापस जावांगे, सानू नहीं चाहिए यह जी प्रमोशन जो साढ़े पापा नूं इन्ना दुख देवे। हाँ, तू ठीक कहनी है शानू, असी अज ही घर वापस जावांगे। शिवम, एक होर गल कहां, वासु नूं भी वापस बुला लो, असी सारे मिलके रहांगे, सानू किसी चीज की नहीं लोड़, साढ़े लिए तो छोटी छोटी खुशियां ही बहुत ने। अंकल, सानू माफ कर दो, असी अपना फर्ज भुल गए, तुसी सानू साडा फर्ज याद करवा के साडे ते बहुत आसान किया। हाँ अंकल, असी अज ही कर जावांगे, अज ही कर जावांगे। कोई नहीं पुत्र, जे सवेर दा भुलिया शाम नू घर वापस परताए उन्हें भुलिया नहीं कहते। बस आ रहा है, बस आ रहा है।